हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल चैनल नो कॉलेज टेक पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक मोटिवेशनल स्टोरी के बारे में। दोस्तों आपने बहुत से लोगों को हंसते हुए और खुश रहते हुए देखा होगा। आखिर क्या है ये उनके खुश रहने का राज? क्या आप जानते हैं क्या है ये खुश रहने का राज? तो आज इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि क्या है खुश रहने का राज। तो दोस्तों एक समय की बात है, एक गाँव में महान ऋषि रहते थे। लोग उनके पास अपनी कठिनाइयाँ लेकर आते थे और ऋषि उनका मार्गदर्शन करते थे। एक दिन एक व्यक्ति ऋषि के पास आया और ऋषि से एक प्रश्न पूछा। उसने ऋषि से पूछा कि गुरुदेव, मैं यह जानना चाहता हूँ कि हमेशा खुश रहने का राज क्या है, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। ऋषि ने उससे कहा, तुम मेरे साथ जंगल में चलो, मैं तुम्हें खुश रहने का राज बताता हूँ। ऐसा कहकर ऋषि और वह व्यक्ति जंगल की तरफ चलने लगे। रास्ते में ऋषि ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस व्यक्ति को कह दिया कि इसे पकड़ो और चलो। उस व्यक्ति ने पत्थर को उठाया और वह ऋषि के साथ साथ जंगल की तरफ चलने लगा। कुछ समय बाद उस व्यक्ति के हाथ में दर्द होने लगा, लेकिन वह चुप रहा और चलता रहा। लेकिन जब चलते हुए बहुत समय बीत गया और उस व्यक्ति से दर्द सहा नहीं गया, तो उसने ऋषि से कहा, गुरुदेव उसे कि मुझे दर्द हो रहा है। तो ऋषि ने कहा, इस पत्थर को नीचे रख दो। पत्थर को नीचे रखने पर उस व्यक्ति को बड़ी राहत महसूस हुई। तभी ऋषि ने कहा, यही है खुश रहने का राज, सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। व्यक्ति ने कहा, गुरुवर मैं समझा नहीं, कृपया करके मुझे समझाइए। तो ऋषि ने कहा, जिस तरह इस पत्थर को एक मिनट तक हाथ में रखने पर थोड़ा सा दर्द होता है, और अगर इसे एक घंटे तक हाथ में रखें तो थोड़ा ज़्यादा दर्द होता है, और अगर इसे और ज़्यादा समय तक उठाए रखेंगे तो दर्द बढ़ता ही जाएगा। उसी तरह दुखों के बोझ को जितने ज़्यादा समय तक उठाए रखेंगे उतने ही ज़्यादा हम दुखी और निराश रहेंगे। यह हम पर निर्भर करता है कि हम दुखों के बोझ को एक मिनट तक उठाए रखते हैं या उसे ज़िंदगी भर। अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो दुख रूपी पत्थर को जल्दी से जल्दी नीचे रखना सीख लो, और होश के तो उसे उठाओ ही नहीं। तो यही है खुश रहने का राज दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कीजिए और बेल आइकन को दबाना जरूर दबाइए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।